हेलो फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चूड़ीदार पजामी काट के बनाना सिखाऊंगा कि आप इसे किस हिसाब से बढ़िया तरीके से बना सकते हैं काट के। तो आजकल आपने देखा होगा पजामी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कईयों की पजामी बेल्ट से पीछे से फट जाती है, ठीक है, और कईयों को दिक्कत ये आती है कि एक पाचा इतना लंबा हो जाता है, कोई छोटा मतलब इक्वल नहीं आ पाता। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये किस हिसाब से आप काट के बनाएंगे जो आपको बिल्कुल बढ़िया से एकदम जबरदस्त तरीके से पजामी बढ़िया बैठेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाप समझेंगे। ये हमारा पजामी का नाप है। अच्छा, नाप के लिए हम आपको बता दें, अगर आपको ये नाप समझ नहीं आए तो हमारी नाप वाली वीडियो आप जरूर देखें। इस पजामी को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए हम इसको बताते हैं। इसकी लंबाई 38 इंच है। ये मैंने हैवी साइज लिया जानबूझकर, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि हैवी साइज को भी आप बनाएंगे तो पजामी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें किस हिसाब से क्या लेना है मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। तो आप देखिए, इसकी लंबाई 38 इंच है, इसकी मोहरी 11 इंच है, इसका घुटना 19.5 इंच है, इसकी थाई 28 इंच है, और इसकी बेल्ट आएगी तैयार 28 इंच की। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पे कपड़ा है और हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमारे को दो प्रकार के फुट्टों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सामान हो गया हमारा इंची टेप। दो तरह के फुट्टे हैं, एक सीधा फुट्टा, एक हमारी सेफ फुट्टी जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। और ये होगी हमारी गरारी। ये पंजाबी में सबसे मेन काम करती है निशान उठाने के लिए, जिससे हम आपको मैं दिखाऊंगा कि किस हिसाब से इससे निशान उठाए जाते हैं कैसे, क्योंकि कभी कभी निशान बराबर से ना आने की वजह से पजामी लूज टाइट, एक पाँव लूज तो एक पाँव टाइट हो जाता है। लेकिन इससे आप निशान लगा लेंगे तो सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आएंगी। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कपड़ा दिखाया जाता है। ये कपड़े को आप इस हिसाब से देखें, ये कपड़ा है। तो हम इस कपड़े को देखेंगे, कपड़ा हमारे पास बहुत है। देखो, इस कपड़े को हम इस हिसाब से लेके पहले तो हम सीधा उल्टा जायजा करेंगे। तो इसमें ये प्लेन कपड़ा है, सीधे उल्टे की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कपड़े को आप यू मिला लें, देखना मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। जब यू मिला लेंगे आप, ठीक है दोस्तों, ऐसे मिलाने के बाद आप इधर ऐसे रखें। अब हम इस चौक की मदद से, जब हम इस कपड़े को इस हिसाब से रख लेंगे तो इस चौक की मदद से एक निशान ये लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये देख लीजिए, एक निशान को ऐसे लगाने के बाद इस कपड़े को हम ऐसे लेके आएंगे और इस हिसाब से करके एक निशान ये लगा लेंगे। जब ये निशान हमारा लग जाएगा तो हमारा जो ये सेंटर वाला पार्ट है, हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये हमारा पार्ट कट हो गया, ये हमारे दो पल्ले हो चुके हैं, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमने निशान लगाए हैं वो हमारा उल्टा उल्टा साइड उल्टी तरफ रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले कपड़े को प्रेस कर लें, कपड़े को प्रेस जरूर करें, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अभी हमने एक पल्ला कर लिया, अब इसी हिसाब से हमें दूसरे पल्ले को भी करना है। अब इसको हम दूसरे पल्ले को भी इस हिसाब से प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा प्रयास हो गया। अब हम इसको बताते हैं कि इसको पजामी काटने के लिए किस हिसाब से हम बिछाएं। आइए देखें, जो हमने निशान लगाया था, ये जो हमने निशान लगाया था, इसको आप इस हिसाब से तिलकोना ले लें, इस सीधे से मिला के इस हिसाब, ये जब आप ऐसे कर लेंगे तो आप इसको इस हिसाब से बिछा दें। झोल नहीं पड़नी चाहिए आपकी बिल्कुल भी इसके अंदर। ये आपका बिछ गया, ठीक है। देखिए, जब ये आपकी बिछ जाएगी तो इसको हल्का हल्का सा हाथ से सेट कर, साफ हाथ से कर ले। ये ओरे होता है हमारा,
ठीक है, ये हमने कर लिया। तो जब कर लेंगे तो हम इसको हल्की से प्रेस से इसकी क्रीज बिठा देंगे। थोड़ी देर लिए आपको दिखाना होगा इसमें। अब हमारा जो नाप आता है, नाप आप आइए, आपको नाप के हिसाब से बताते हैं। देखिए इसकी मोरी 11 इंच है, इसकी मोरी 11 इंच है, तो हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। ये 5.5 इंच हो गया, ठीक है। और हम इसको यहाँ एक निशान लगा के यहाँ से करीब 1.5 इंच निशान लगाएंगे। 1.5 इंच के बाद हम यहाँ से लगाएंगे 10 इंच पे निशान। ये जो 10 इंच है ये हमारी चूड़ी का निशान है, ठीक है। 10 इंच को 10 इंच के बाद यहाँ से हम इसकी लंबाई का नाप लगाएंगे 38 इंच। तो हमारा 38 यहाँ से आने के बाद आपका सीधा इस हिसाब से करके ये 38 आ गया। ये हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद जब दबाव में जो जाएगा, जैसे हम सलवार में, मैंने आपको पटियाला सलवार में बताई थी बेल्ट काट के, वैसे ही हमें 9 इंच की बेल्ट काट के 6 इंच की बेल्ट तैयार करनी पड़ेगी, हमारी लंबाई पूरी आ जाएगी। ये हमारा जो 38 से नीचे का हिस्सा है, ये 10 इंच का, ये हमारी कम चूड़ी आ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चूड़ीदार पहननी है तो आप 10 की जगह 15 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ 5 पे निशान लगाने के बाद आपका दूसरा निशान होगा ऊपर से 9 इंच पे। 9 इंच पे हैवी साइज, इसकी 28 इंच की बेल्ट है, 28 इंच की थाई है। 9 पे जब आप लगा लेंगे तो इसको नीचे लेके आए, और जो ये वाला आपने निशान लगाया था 10 पे, यहाँ से आप 17 इंच पे लगाएं। 17 इंच पे आपका घुटना आता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, 17 इंच पे आपका घुटना आता है। तो आइए अब हम सीधे फुट्टे की मदद लेते हैं। सीधे फुट्टे की मदद से हम एक निशान ये लगाते हैं, एक निशान इसको लगाते हैं, एक निशान इसको बड़ा लगाते हैं थोड़ा। एक निशान इसको भी काफ़ी बड़ा लगाते हैं। जब हम ये निशान इतने लगा देंगे तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये हमने 11 इंच का लगा लिया था निशान, इसी हिसाब से यहाँ भी 11 इंच का ही लगेगा, क्योंकि ये मोरी का निशान है, ये चूड़ी पड़ेंगी, ठीक है। फिर हम घुटने के पास आते हैं, तो घुटना है 19.5 इंच, 19.5 का आधा हो गया 10.25। तो यहाँ 10.25 पर निशान लेके हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। अब हमारा थाई का नाप आता है, थाई का नाप है 28 इंच, 28 ये आपका नाप बैठेगा। ये जो निशान है आसन का, आसन के निशान से 3 इंच तक आपका थाई का नाप बैठेगा। तो आप यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो फुट्टे की मदद से, ये आपका थाई का नाप हो गया। आप यहाँ पे थाई रखेंगे 28 इंच, ये हो गया 28 का आधा 14 इंच, ये हमारा निशान लग गया। अब इसके बाद जो घेरा रखा जाएगा, तो घेरा इसके अकॉर्डिंग होता है, तो हमें क्या सेफ अच्छी लगती है, तो कम से कम इसमें इतनी दूरी पर बैठेगा, तो हम यहाँ 20.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये 20.5 पे लगाया, तो यहाँ भी हम 20.5 पे निशान लगा देंगे। जो दो निशान 20.5 पे लगेंगे, तो अब हमारा सीधे फुट्टे का काम है। हम सीधे फुट्टे को इस हिसाब से रखिए, ये हमने ऐसे निशान लगा लिया, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद इस फुट्टे की मदद से आप थाई के पास जाएं, थाई से इस मोरी तक आप इसको ऐसे निशान लगाएं। ये आपका एक निशान लग गया। फिर यहाँ से आपको किसी फुट्टे की ज़रूरत नहीं, आप निशान अपने हाथों से ही उठाएं, इस हिसाब से, ना किसी फुट्टे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप अपने हाथ से उठाएंगे, बढ़िया जिस हिसाब से आपका फिनिशिंग बैठेगी। और जो नीचे का है, नीचे का इस हिसाब से लगा दें। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम मोरी को जो है काटेंगे, आपको बता दें, ये जो मोरी को हम काटेंगे तो इसको हम सीधा नहीं काटेंगे, इसको हम हल्का राउंड देंगे इस हिसाब से, ताकि जब हम इसकी जुड़ाई करें तो इसका जो मार्जिन हो वो बाहर ना निकले पहनते वक्त, ठीक है। तो ये हमारा पजामी का निशान हमने लगा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ इसके अंदर, इसमें कपड़ा ज़्यादा था इसलिए ये कपड़ा पूरा बैठ गया। कभी कभी होता है हमारा ऐसा कि कपड़ा इतना ही रहेगा, जो जोड़ी आप देख रहे हैं नीचे, कपड़ा आपका इतना ही रहेगा, हमें आगे यहाँ भी जोड़ लगा के इस हिसाब से जोड़ लगाना पड़ेगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी ये काटने के बाद। तो हमारा ये हो गया, तो हम इसको अब कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए आपको
कैंची लेके सबसे पहले सीधा इस हिसाब से काटना है, इसको आप अलग ही कर दें, पूरा ये अलग हो गया कपड़ा, इसको हटा दें। अब आपका जो ये वाला हिस्सा है आप इसको इतना काटें, इतना काटने के बाद फिर आप इसको जो मैंने आपको बताया था ये आप गोलाई में काटेंगे, इस हिसाब से गोलाई में काटने के बाद क्या चीज की मदद से आप इसको इतना इतना मार्जिन लेके ये देखिए किस हिसाब से मार्जिन ले रहा हूँ मैं, आपको इतना इतना मार्जिन ही लेना है, ठीक है। ये हमारी पजामी जो है, पजामी का भी हिस्सा ये कट चुका है, अभी हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको इस जो बचा हुआ कपड़ा है इसको ऐसे उठा के इसको साइड में रख लेंगे, और इसको भी हम उठा के अभी साइड में रखते हैं। अभी नीचे का आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए नीचे अभी हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, जैसे नीचे अभी पूरा नहीं आ रहा ना, इधर हमें जोड़ देना पड़ेगा। वो कैसे जोड़ देंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लीजिए ये कपड़ा आपका एक पल्ला ये आ रहा है, तो दूसरा पल्ला आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इतना, ये हमारी पजामी इस हिसाब से है, आप इधर मान के चले हमारी पजामी इस हिसाब से है, हमारा कपड़ा यही है। तो हम इसको कैसे काटेंगे, तो हम इसको इस हिसाब से काटेंगे, जिस चीज़ पे भी हम काट रहे हैं तो उस पर हम निशान लगाएंगे 20.5 इंच पे। जैसे हमने 20.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से हमने सीधा निशान लगा लिया, इधर से इस हिसाब से निशान उठा लिया, यहाँ से हम 9 इंच का आसन नापेंगे, यहाँ भी हम 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे इधर से, ठीक है। और ये हमारा जो हम नीचे हमारा कपड़ा होगा ऐसे लेने का निशान, जब हमारा ये निशान ड्राइंग हो जाएगा तो हम इसको कपड़ा जो हमारा नीचे होगा हम इसको ऐसे करके छाट लेंगे। लेकिन हमारा ये कपड़ा पूरा था तो हमें छाटने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखो आप बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं ना, जैसे मैंने निशान लगाया था ये हमारा फालतू का मार्जिन हो गया। अब हम नीचे जो कपड़ा लगाएंगे आपको वैसे ही कपड़ा लगाना पड़ेगा उस जोड़ में, ठीक है। तो इसका भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस हिसाब से कपड़ा लगाना है, पहले मैं आपको पूरी पजामी काट के दिखा दूँ। दूसरा पल्ला लेंगे, दूसरे पल्ले में देखेंगे जो हमने निशान लगाया था एक, और मैंने आपको बताया था ये पार्ट याद रखना, ये निशान इसलिए लगाया था और सेंटर में कट यूँ दिया था, कई लोग एक बार मिला के ही पजामी को बना देते हैं, जिसकी वजह से एक टांग छोटी हो जाती है एक टांग बड़ी हो जाती है, एक टांग में ज़्यादा ओरेब हो जाता है, और एक टांग जो होती है ना हमारी वो एक कपड़ा मतलब काफ़ी ओरेब हो जाता है, एक कपड़ा कम ओरेब की वजह से इतना ही रहता है। तो हमारा कम से कम इतना इतना फर्क पजामी में कईयों में कॉटन की में पड़ जाता है, और कई सैंतून का कपड़ा है, ठीक है, और भी कई कपड़े जो हमारे बढ़ जाते हैं, कभी दिक्कत आपको भी आई होगी। तो इसीलिए हमें सेंटर में कट करके काटेंगे तो हमारी पजामी एक ही रुख से बनेगी। वो भी आपकी कैसे बनेगी, आपको ये निशान लगाना पड़ेगा, अगर आप ये निशान लगाना भूल गए तो आप रुख का पता नहीं कर पाएंगे, तो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है आपको। अब आपको इसी हिसाब से जैसे पहले आपको ने करा था, ये निशान वाले हिस्से को इस हिसाब से पकड़ें, और इस हिसाब से पकड़ने के बाद आप बिछा दें, जब आप बिछाएंगे आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको नजर आता हूँ कैमरे के अंदर, अगर नजर आता तो मैं दिखाता हूँ। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये नीचे वाला जोड़ है हमारा, ये जो लाइन देख रहे हैं जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ये हमारा नीचे वाला जोड़ है। अब ये जो जोड़ है हमारे को, तो हमें ये पजामी इसके ऊपर रखनी पड़ेगी, ये पजामी हमारी इस हिसाब से ऊपर रखनी पड़ेगी। आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। इस हिसाब से देखिए जोड़ है ना, आप इस निशान से मिला लें, इस हिसाब से बिल्कुल बराबर, ठीक है, पूरा का पूरा पल्ला इस हिसाब से मिला लें। जब आप इस हिसाब से मिला लेंगे, जब आप इस हिसाब से मिला लेंगे आप उस कह रहे इस कपड़े को जाने दें, ये आपका कपड़ा चला गया और ये आपका फिनिशिंग से बैठ गया। जब आपका ये बैठ जाता है तो आप फिर कैंची की मदद से ये देखिए पूरा का पूरा बैठ चुका है। जब बिल्कुल एक किनारे यहाँ से भीतरी बिल्कुल
19-20 नहीं करना, बिल्कुल बराबर से बिठाना है एकदम, ठीक है। आप एक बार ऐसे हाथ लगा के देख लें कि कोई कपड़ा बाहर तो नहीं जा रहा, क्योंकि सूत का फर्क भी दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया कटिंग करने के लिए एकदम कैंची लगा के देख लें, अभी बिल्कुल बराबर है हमारा, तो हम इसे काटते हैं। काटते वैसे ही ये हमारी पजामी का वो कट गया, इसे हम अलग रखते हैं। ये हमारा जोड़ कट गया, ये हमारी मोरी भी कट गई, ये हमारा कपड़ा बचा है, जो आपको मैं कपड़े का बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा। यहाँ जगह थोड़ी कम है, ये इस हिसाब से आप बाकी का जो है बराबर से पल्ला जब आप ये कर लेंगे, तो सबसे पहले आप इसे उठाए ना, आपको मैंने बताया था ये है गरारी, ठीक है। इस गरारी से क्या होता है आपको मैं दिखाता हूँ। इस गरारी से आप क्या करेंगे, ऊपर से इस हिसाब से रख के आप इसके निशान के ऊपर चलाएंगे ऐसे करके, ठीक ये हमने निशान लगा लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा निशान, देखिए ये हमारे दाने जो हैं हल्के हल्के अगले उसमें भी उठ गए, ये आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे उसमें उठ गए। तो जब ये उठ जाएंगे तो आप इस पे उसी वक्त निशान लगा लें ऐसे करके, आप निशान लगा लें तो इससे आपकी सिलाई इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल बराबर से सिलाई आ गई आपकी, ठीक है। ये हमारा निशान उठ गया, अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और हमारा जो दूसरा काम आता है इसके बाद, ठीक है, वो हमारा काम होता है कैंची से देखिए उठा के हम इसको एक कुट का दो कुट का थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे ऐसे ऐसे करके लगा लें। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम ये ओरेव कपड़ा है, आपको एक चीज़ बता दूं, ये कपड़ा ओरेव है, जब हम पजामी जोड़ते हैं तो अगर कुटके से कुटका मिला के जोड़ेंगे तो हमारी ये जो प्रेस हो रही है ना इस हिसाब से, ये चीज़ झोल नहीं पड़ेगी, वरना आप देखते हो कईयों में झोल पड़ जाती है, कई लोग बिठाई नहीं पाते। अब हमारा ये कट चुका है, तो अब हमारा सबसे पहला काम होगा जो हमारा इस साइड से कपड़ा बचा था, उस ये बचा हमारा इस साइड से, तो हम इस कपड़े की मियानी काटेंगे। पजामी में आप मियानी जरूर डालना, वरना फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बैक साइड से। तो आप मियानी के लिए कपड़ा ऐसे रखेंगे, और ये डबल कपड़ा रखा इस हिसाब से रखने का, तो ऐसे मिलाओ, मिलाने के बाद आप इसको इस हिसाब से काट दीजिए, हल्का राउंड दे दीजिए। ये हमारी मियानी कट चुकी है, देखो इस हिसाब से हमारी मियानी कट जाएगी, ठीक है, इस हिसाब से हमारी मियानी कट जाएगी, हमारी मियानी होगी, इसको अलग करते हैं। अब हमारा जो बचा हुआ यहाँ के कपड़े थे, तो हम पहले इस कपड़े को देखेंगे क्या ये इतना जोड़ लग जाएगा। तो ये देखिए एक कपड़ा ये हो गया, दूसरा कपड़ा ये हो गया, तो हम इसको बिछाएंगे पहले इस हिसाब से। हाँ, ये कपड़ा हमारा पूरा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस हिसाब से लपेट लेंगे ताकि ये हिले नहीं, ओरेड है, हम इसको देखेंगे। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊं, ये दो पल्लों में हमारा कटा हुआ है, तो हमारा ये दो पल्लों में हमारा कटा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हमारा उल्टा है, ये भी हमारा उल्टा है, ये दोनों हमारे उल्टे हैं, और इसमें भी एक जोड़ लगेगा, इसमें भी एक जोड़ लगेगा। तो आप जब जोड़ लगाएं, ये तो प्लेन है लेकिन कई किसी में मतलब सीधे उल्टे का भी चक्कर होगा, मान लो कि ये हमारा जोड़ सीधे की तरफ यूं आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सीधा है, ये जोड़ हमारा सीधा है, अब हमें जोड़ सीधा लगाना है। तो आप कपड़े को ले, और इसको भी मान लेते हम कि ये वाला कपड़ा हमारा सीधा है। अब सीधे को हम सीधे पे ऐसे करके मिलाएंगे, अब देखो ये भी सीधा है हमारा, देखिए ये सीधा है और अंदर वाला ये सीधा है, जब इसको हम यूं मिलाएंगे तभी ये हमारा बैक साइड उल्टा आएगा, ठीक है। तो हम सीधे को सीधे की तरफ से इस हिसाब से रखेंगे,
जितना हम मार्जिन लेंगे इस हिसाब से रखेंगे ऐसे करके, जैसे हम बाजू में जोड़ लगाते हैं ना, बड़ी बाजू में जोड़ लगाने के लिए काटते हैं स्लीव को, और आप इसको एक पल्ले को इस हिसाब से रख देंगे तो हमारा जहाँ भी बैठेगा बिल्कुल बराबर से आप इसको कटिंग कर लेंगे। आप ये काट के ये काट लिया हमने, तो ये काटने के बाद हमारा ये हमारा पल्ला बन चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारा जो पल्ले होते हैं इसमें भी ये उल्टा है, तो इसमें हम आपको बताते हैं उल्टी साइड निशान लगा लेते हैं, ताकि जब मैं आपको बनाऊं तो आपको मैं ये सिखा सकूं कि क्या चीज़ मैंने करी थी। ये हमारा उल्टा है, ठीक है, और ये वाला साइज भी हमारा उल्टा है, यानी आप कभी भी दोनों को मिला के मत जोड़ना, ये अलग अलग पार्ट और दोनों कलियों में जुड़ेंगे, ठीक है। कहीं पता चले आप यहाँ पर ही मैं आने लगा दें, ऐसा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये हमारी अभी तक पजामी कट गई, अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये जो जोड़ है ये वाला, ये कैसे लगेगा, ये वाला जोड़ जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। तो जिस हिसाब से मैंने इसको काटा है ना, इन जोड़ों को, जिस हिसाब से मैंने इन जोड़ों को रख के काटा है, तो इसी हिसाब से हमारे ये जोड़ भी रख के काटे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब हम बेल्ट काटते हैं, म्यानी रख लेते हैं, अब बेल्ट काट के दिखाते हैं। बेल्ट काटने के लिए हमारे कपड़ा देखते हैं, तो हम ये वाला कपड़ा लेते हैं ताकि एक जोड़ में बने काम। अच्छा, बेल्ट में हम देखेंगे तो हमारी किनारी होती है, हम किनारे का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि किनारे में खिंचाव होता है, ठीक है। खिंचाव की वजह से नेफ पलटने में भी दिक्कत आती है और भी कई दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम इसको उतार लेंगे, और ये हमारे नाड़े के काम भी आ सकता है, तो आप इसको सीधा काट दें ताकि हमारे इसका नाड़ा भी बन जाए। ये काटने के बाद हम इसकी हमारे इसकी कमर इसकी बेल्ट तैयार थी 28 इंच, ठीक है, 28 इंच थी, तो हम यहाँ से इसका निशान लगाएंगे उसका 9 इंच, ठीक है, यहाँ पर 29 इंच, 1 इंच फालतू, 29, ये 9 हो गई, ठीक है, और ये 9 इंच, हम इसको इस हिसाब से निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमारा बैंड तैयार हो गया, अब हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे कि आप इसे किस हिसाब से बनाएंगे। तो आइए अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये हमारी बेल्ट है, हम सबसे पहले इस बेल्ट को तैयार करेंगे। आपको इतनी गैपिंग में छोड़ना पड़ेगा नेफे के लिए, ठीक है, ये नेफा बनाने के लिए इतनी गैपिंग में आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आप इसको इस हिसाब से मोड़ दें, ये नेफे के लिए हो गया।
अब हम इसको इतना मोड़ने के बाद इसको नेफे के बराबर मोड़ देंगे। इधर फास्ट फॉरवर्ड कर दियो, इतना इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तो बनना ही पड़ेगा। ये हमारी बेल्ट बन गई है। बेल्ट बनाने के बाद आप इसको रख लें। हमारे को सबसे पहले देखना है उन उसके लिए, तो हम ये मियानी है, इस मियानी को अलग रखते हैं और हम इस पजामे को खोल के देखेंगे आराम से। ये हमारे जोड़ हैं, हम जोड़ को रखते हैं, फिर हम इस एक पल्ले को उठाएंगे। तो हमारा जो ऊपर का पल्ला है ये हमारा उल्टा है, इसको हम दूसरे पल्ले को ऐसे रख देंगे। पहले पल्ले को उठाएंगे, इसको देखें आप जो निशान लगेंगे पल्ला उल्टा है, तो आप इसको उल्टा वाले पल्ले को इस हिसाब से खोल लो। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि ये जो हमने निशान लगाए हैं, ये हमारा उल्टा हिस्सा है, तो इसको पहले इसमें जोड़ लेंगे ऐसे करके। जो फालतू हो उसको हल्का सा काट दें ऐसे करके। अब आप ये देखेंगे इसमें हल्का हल्का नाखून मार दें। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये हमारा एक पल्ला तैयार हो चुका है। ये देखो, ये हमारा एक पल्ला ऐसे करके तैयार हो चुका है, देखो पजामे का। फिर हमारा इसमें जो काम होगा, हम इसको ऐसे खोलेंगे। ऐसे खोलने के बाद सबसे पहले हम नीचे को इस हिसाब से मोड़ेंगे सिंगल। फिर दूसरी बार इसको दूसरे तरीके से ऐसे करके मोड़ के फिर लगाएंगे। तो हम इसको जब ऐसे करेंगे तो पीछे ये जो उंगली है ना, इसे पीछे रखेंगे ऐसे बाहर का करेंगे, ताकि इसमें इसलिए फल के ना इसे झोलना पड़े। दूसरी उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा ये जुड़ गया। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, अब हम दूसरे पल्ले को उठाएंगे। तो दूसरे पल्ले को भी हमारा जो उल्टा है देखो, अब इसको हम ऐसे खोलेंगे, और जो हमारा कपड़ा है ये हमारा निशान वाला उल्टा है, तो हम इसको इस हिसाब से जोड़ के फालतू को उड़ा देंगे। फिर ऐसा करके इसमें भी हल्का नाखून लगा लेंगे, कॉटन है तो नाखून से ही हमारा फिनिश हो जाता है। ये देखिए, ये भी हमारा दूसरा पल्ला भी ऐसे आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल। अब हम इसको भी नीचे जाने के बाद सबसे पहले हमारा काम होगा मोजे का ख़त्म कर लें, तो इसे भी हम ऐसे ही मोड़ेंगे। जहाँ पर आपको लगे कपड़ा फलक रहा है पीछे उंगली लगा लें, सही हो जाएगा। फिर आप इसी मदद से दूसरी तरफ मोड़ें।
इस हिसाब से। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये हमारा निशान था, ठीक है। ये हमारा सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से पे हम इसको म्यानी उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हम इसको ये चीज़ पे हल्का हाथ रखेंगे, क्योंकि ओरे में खींचेगा ज़्यादा। तो आप जितना कंफर्टेबल हो उतना ही सेट कर लें। आप इस हिसाब से मिजानी को रख के आप इसको काफ़ी जीत है ऐसा है। आप ऐसे उतार लें, फिर इसको इस हिसाब से करने का हल्का नाखून मार लें। इससे ये अपनी जगह पे बैठी रहेगी। तो धागे काट दें। अब हम जब दूसरी तरफ जाएंगे तो इसको इस हिसाब से रखने के बाद यही सीधा हिस्सा होना चाहिए, ये खड़ा हिस्सा होना चाहिए। ये ओरे वाला हिस्सा नहीं लेना आपको, दोनों जगह खड़ा हिस्सा लगाना है। भी तो खड़ा हिस्से को इस हिसाब से लेके जो कन्नी वाली साइड होगी हम जोड़ देंगे। इसे नीचे की तरफ से जोड़ेंगे, आसन की तरफ से। ये हमारा जुड़ गया, हम इसमें नाखून लगा देंगे। जब हमारा ये चीज़ जुड़ जाएगी तो हम इसको ऐसे रखने के बाद इस वाले भाग को, पहले वाले भाग को खोलेंगे और सीधे से सीधा मिलाएंगे और म्यानी जोड़ देंगे। ये डबल है, ये ओरेव है, तो हम इसको पक्का कर लेंगे। ओरेव है इसलिए एक सिलाई और लगानी पड़ती है। ये हमने काट लिया। अब हम इसी हिसाब से हम इधर जाएंगे। और इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ। उस टाइम पे नीचे थी, जिस हिसाब से उस टाइम नीचे थी, म्यानी दिखा नहीं पाया था। अब इसमें आप ध्यान से देखना, म्यानी को लगाने के लिए हम सबसे पहले मशीन चला के म्यानी के बराबर लाएंगे। म्यानी बराबर थोड़ी और चलाएंगे, आधे इंच तक जितना हम मार्जिन ले रहे हैं। फिर हम इसको यूँ पकड़ के घुमा देंगे और फिर ये वाला जो हिस्सा होगा ना, इसको हम यूँ खींचेंगे ऐसे करके, ताकि यहाँ पर झोल ना पड़े। फिर एक सिलाई लगा देंगे, जब ये ओके हो जाएगी तो हम नीचे से इसको बराबर कर लेंगे और फिर इसको इसको सिलाई लगा देंगे। ये एक सिलाई लग गई, दूसरी भी लगा दो। अब मैं आपको बेल्ट चढ़ाना बताता हूँ, इसमें बेल्ट कैसे चढ़ती है। और ये बेल्ट चढ़ाने का तरीका ऐसा है कि ये बेल्ट का तरीका हर किसी में, चाहे सलवार से लेके कोई भी चीज़ हो, आप किसी में भी चढ़ा सकते हैं। इसमें तो चुन्नट डलती है, लेकिन आप सलवार में प्लेट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जोड़ है हमारा, हम यहाँ से इसको नापेंगे इस हिसाब से। तो हमारा सेंटर बैठेगा यहाँ पर, ये हमारा सेंटर बैठा। ये हमारी बेल्ट तैयार है इतनी। हमारे पास ये घेरा फालतू है, तो हम यहाँ से देखेंगे। एक निशान लगा लेता हूँ मैं। ये हमारी बेल्ट तैयार है, ये हमारी बेल्ट तैयार है। तो हम इसको क्या करेंगे, कम से कम पजामी के अंदर, ये पजामी के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, पजामी के अंदर 4 इंच से फुट का लगा लेंगे यहाँ पर, यानी 4 इंच कम कर लेंगे बेल्ट से। अब जो हम चुन्नट डालेंगे, तो कम से कम हमारी चुन्नट तैयार आनी चाहिए डबल में, 6.5 इंच पे। अगर हम इसे खोलेंगे तो 13 इंच हो जाएगी। तो हम इस कुटके से डालना स्टार्ट करेंगे। चुन्नट के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों दो उंगलियों का जरूरत होती है। इनको इस तरह से पकड़ के ऐसे चलाते रहो मशीन और डालते रहो।
आप बीच में नापते भी रहें कि 6.5 इंच पे लाना है, तो ये हमारा भी अभी हमारा 5 इंच पे आ चुका है, तो हमें ये 1.5 इंच में ख़त्म करना है। अभी हमारा थोड़ा फालतू होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट हम बैक में 3 इंच की पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 3, 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम उसी हिसाब से इसको दूसरे तरफ से जितनी यहाँ पे प्लेट आई है सेंटर के बाद, इस तरफ भी इतनी प्लेट आनी चाहिए। इसे हम पजामी में चुन्नट कहते हैं इसे। अब आप देखेंगे इतनी चुन्नट में आपको सेंटर नहीं दिखेगा, तो ये हमारा सेंटर है। अभी सेंटर को हम पकड़ के ऐसे देखेंगे तो बराबर आ गई चुन्नट है, देखो। अब हम बेल्ट नापेंगे, तो बेल्ट नापने के लिए आप देखेंगे इसको इस हिसाब से रखेंगे और देखेंगे तो बेल्ट का हमारा निशान हमारा यहाँ पर आ गया निशान, तो हम इसको यहाँ पे कुटका लगा लेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे बेल्ट चढ़ाई जाएगी, तो हम इसको इस हिसाब से रखेंगे और रखने के बाद जो इसका ये वाला हिस्सा नेफे वाला हिस्सा, इसको हम यहाँ से मिला के आधा इंच मार्जिन लेके जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें ये वाला हिस्सा सीधा नीचे का ओरे में, तो आपको नीचे का कुछ नहीं खींचना, ना नमकन होने देना इसको। एक बार यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पे जोड़ लगा देना है ताकि कपड़ा ना खिसके, ना नम हो और ना ही बढ़े, ठीक है। जब आप इतनी दूरी पे आएंगे, सेंटर आ गया, तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो हमने कुटका लगाया था ये हमारा सेंटर का हिस्सा है, तो आपको दिखाना चाहूँगा ये सेंटर का हिस्सा हमारा, ये निशान लगा दिए मैंने, ये कुटके के थोड़ी आगे आ रहा है, तो ये मायने नहीं रखता। हमारा मायने रखता है ये हमारा जो कुटका लगाया ना हमने, ये कुटका मायने नहीं रखता, ये एक अंदाज़ा होता है सिर्फ। अब हमारा यहाँ पे कुटका आया निशान सेंटर का यहाँ पर, तो हम यहाँ से प्लेट उठा के यूँ डालेंगे, ठीक है, तो दूसरे को मिला देंगे, तो बराबर आ गया। अब एक स्लाइस अटका लेंगे प्लेट को, जोड़ना नहीं अभी पूरा, अभी अटकाना है। अब इसको हमें क्या करना है, एक निशान जितना हमने वहाँ से कम उठाया था यहाँ से भी इतना कम उठाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे डाल देंगे। कभी कभी आपका ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे मिलाने का सिलाई मार लेंगे। जब आप इतनी सिलाई पर आएंगे तो आपको सबसे पहला काम करना है यहाँ से पकड़ के मार्जिन तोड़ के देखना है ओके आ रहा है, तो ये हमारा ओके आ गया, क्योंकि नीचे ओरे होता है ये बराबर बैठेगा। आप ओके आने का सिलाई मार, हमारा ये लग जाएगा। इस हिसाब से मशीन को हटाने के बाद इसको सीधा करके एक सिलाई लपकी लगा लें ऊपर जो बेल्ट के ऊपर होती है, ठीक है। ये हमारी अब तक की पजामी बन चुकी है। हमारा मेन काम जो है वो है हमारा आसन जोड़ना, तो आसन जोड़ने के लिए आपको दिखाता हूँ, आइए। सबसे पहले हम इस पे ऐसे इसे जोड़ मिला लेंगे, मिलाने के बाद हम
इसकी मोहरी को जरूर नापेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ये चीज, हम इसकी मोहरी को जरूर नापेंगे क्योंकि ऐसा होता है ये जो मोहरी होती है ना, ये हमारी ओर के जैसे बढ़ भी सकती है। हमारे यहाँ पे मोहरी थी 11 इंच, तो हम यहाँ से नापेंगे 11 इंच। 11 इंच आने के बाद हम हल्का निशान लगा लेंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद इसको हम पक्का करके जोड़ेंगे। तो हमारे जो कुटके लगा रखे ना हमने, इस कुटके से कुटके को मिला लो हम, जैसे ये मिला लिया आपने, ये हमारा ओके बैठेगा। अब हम सिलाई लगाते हैं। जब यहाँ तक पहुँच जाए तो आप फिर इस कुटके से कुटका मिला के फिर जोड़ दें। इस हिसाब से कुटके से कुटका मिलाते रहें, पूरी पुरानी ऐसे आप जोड़ते रहें निशान के ऊपर। जब आप आसन पे आएंगे तो इसकी सिलाई से सिलाई मिला लें और इस हिसाब से सिलाई लगा दें। फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इस हिसाब से मिलाने के बाद आप थोड़ा जिस हिसाब से मिलानी जाएगी आधा इंच का ही मार्जिन ले लें, ऐसे मशीन घुमा के यहाँ पर उतार दें। तो ये हमारा इतना हिस्सा जुड़ गया, थोड़ा जो भी फालतू मार्जिन होगा हमें काट देना, ठीक है। ये धागे में काटना है। इसी हिसाब से हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हमें हम देखेंगे दूसरी तरफ भी हमें नापना पड़ेगा 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच नाप लेंगे, नापने का निशान लगाएंगे, यहाँ ओके बैठा है। पक्का करने के बाद इसमें भी वैसे ही सिलाई लगानी जैसे कुटके से कुटका पकड़ना। इसको भी इसी हिसाब से मारते हुए नीचे उतार लेना है। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई लग गई। हमारा जो काम होता है वो हमारा काम होता है इसे छाट के, इसे काट के। अब इसे पजामे की मोरियों को दोनों को जोड़ के देखना कि ये ओके बैठ रही है, ये हमारे बिल्कुल बराबर है। तो हमारा काम है लास्ट और फाइनल सिलाई से पहले हम इसको देखेंगे, कॉटन कपड़ा है जोड़ने लगाना, थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे इसे चटकाना है ऐसे करके, ठीक है। यह आवाज़ सुन रहे, ये सिलाइयाँ चटक रही हैं, सिर्फ सिलाई पे जोर लगाने और यहाँ आसन के बाद आके जोर नहीं लगाना क्योंकि सीधा हिस्सा हो जाता है, तो ये हमारी सिलाई नहीं चटकेगी। इसे आप छोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ और होगा वहाँ पर ऐसे पकड़ के सिलाई चटकानी है। सिलाई चटकेगी, हमारी फाइनल सिलाई है। इस फाइनल सिलाई को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हम पक्का कर लिया। पक्का करने का थोड़ा आगे लाने, आगे लाने का ये हाथों का इस्तेमाल देखना, इस हाथ को यूँ खींचना है, इस हाथ को यूँ खींचना है और सिलाइयों पे सिलाई मारते चलना है ताकि हमारी सिलाई चटके ना। तो हम इसको यूँ जोर खींचेंगे अपनी तरफ, उस वाले को यूँ खींचेंगे और सिलाई मारते चले आएंगे। धागा काटेंगे, इससे हमारी सिलाई नहीं चटकेगी। यहाँ पर आने का जोड़ों पे हम पक्का कर लेंगे हल्का हल्का। अगर मेरा एक हाथ भी चलता है तो मैं एक हाथ को इस हिसाब से खींच के चलता हूँ, ठीक है,
क्योंकि मेरा तो काम है, मैं 12-13 साल से काम कर रहा हूँ तो आदत बन गई है। इस हिसाब से ये हमारी पजामी बन गई है। अब आप देखेंगे ये जो आपको पहले चटक रही थी सिलाई, अब आप खींचेंगे कोई सिलाई कहीं नहीं चटक रही, देख रहे हैं पूरा पूरा खींच दिया मैंने, तब भी कोई सिलाई नहीं चटकेगी। और ये जो ओरे वाला हिस्सा आ रहा है ये भी आपका जब प्रेस करेंगे सब सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पजामी बन गई। अब हम आपको इसको दिखाते हैं, साइज की पजामी थी। इन कस्टमर के 5-10 साल से कपड़े बना रहा हूँ, 5-6 साल से सॉरी, और इनकी पजामी कभी अल्टर नहीं आती। आप देखेंगे बैक से किस हिसाब से आ रही है, और ये हमारी फ्रंट से देखिए, ये हमारी पजामी बनके तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत माल पड़ा है। अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, जो जो मेन चीज़ें हैं अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे पजामी हो गई, कमीज हो गई, ब्लाउज, हर चीज़ में आपको बताऊंगा, ये फिटिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए। लेकिन अभी तो मैं डिज़ाइन पे आया नहीं दोस्तों, डिज़ाइन के लिए तो भरमार पड़ी है। तो आप अपना जल्दी से लाइक बटन को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और धन्यवाद।